हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वीवो की ऑनलाइन सीरीज T3 Pro जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आती है, तो करते हैं बॉक्स को ओपन। आज हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, तो कर लेते हैं मोबाइल से प्रोटेक्शन को रिमूव। ये है वीवो T3 Pro 5G स्मार्टफोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन है। तो देखते हैं क्या कुछ बेस्ट फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर हमको। तो कर लेते हैं मोबाइल को बूट। जब तक मोबाइल बूट होता है तब तक देख लेते हैं साथ में बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया है कंपनी ने। बॉक्स के अंदर हमको एक ये प्रोटेक्शन के लिए केस दिया गया है ट्रांसपेरेंट, और साथ में मिलती है ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और एक ये 80 वोट का फास्ट अडेप्टर दिया गया है, और साथ में दी गई है Type-A to C केबल और एक एसीएम जक्टर टूल। तो चलिए इन सब को रखते हैं साइड और देखते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स के साथ दिया गया है। इसके अंदर वाटर डस्ट रेसिस्टेंस IP64 दी गई है, और इसमें 184 ग्राम वेट दिया गया है, और इसकी 0.749 सेंटीमीटर थिकनेस दी गई है, और काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन दिया गया है, और इसके अंदर हमको सी पोर्ट मिलता है, और 5500 mAh की बैटरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी डिस्प्ले क्लियरिटी के बारे में। इसके अंदर 6.77 इंचेज के साथ में फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, कर्व डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, और 4500 निट्स पिक ब्राइटनेस दी गई है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिस्प्ले की स्पीड काफ़ी अच्छी है, और डिस्प्ले की लाइटनिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, स्पीड भी काफ़ी स्मूथ मिलती है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में। इसके अंदर रियर कैमरा 50 MP का दिया गया है, जो कि सोनी IMX882 OIS सेंसर यूज़ किया गया है, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। कैमरा क्वालिटी हम आपके सामने टेस्टिंग करेंगे, काफ़ी अच्छी दी गई है, और पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी बेस्ट दिया गया है। मल्टी स्टाइल के अंदर पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, अलग अलग मोड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी लेके आता है, और इसके अंदर 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अल्टीमेट क्वालिटी लेके आता है। एक वीडियो क्लिप हम आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। वीडियो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी दी गई है, और ये इसके अंदर हमको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कैमरा क्वालिटी के अंदर। और इसके अंदर फ्रंट का कैमरा पंचोल कैमरा 16 MP का दिया गया है, और ये एंड्रॉयड वर्जन 14 पर बेस्ड दिया गया है। फ्रंट टच ओएस 14 दिया गया है, और इसके अंदर 8 GB RAM एक्सटेंड दी गई है। और अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की, तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसका ये 8 GB 128 GB 24,999 रुपये का है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।